जाएगी। अच्छा वो कुछ लोग कहते हैं खवातीन में खास तौर पर, आजकल तो बड़ा जमाना है ना कि वो मर्दों के बराबर हैं और हमें तो इख्तियार है। गनी साहब, ये सिर्फ मर्दों को इख्तियार है तलाक का, औरतों को क्यों इख्तियार नहीं है? हालांकि वो भी वैसी होती हैं, तमाम इख्तियार उनके पास है, तुम औरत को भी तलाक का हक है? देखिए, औरत को तलाक का बराह रास्त हक तो नहीं है, और उनको जो है बिलवास्ता हक होता है, यानी शौहर से वो तलाक की तफवीज ले लें, शौहर से कहें कि भाई हमें तलाक का हक तफवीज कर दें तो मैं भी अपने आप को तलाक दे सकूं। तो अगर शौहर तलाक का हक तफवीज कर देता है तो ऐसी सूरत में खातून को भी हक हासिल हो जाएगा अपने आप को तलाक देने का, लेकिन मर्द का इख्तियार खत्म नहीं होगा, मर्द भी तलाक दे सकेगा और वो भी तलाक दे सकेगी। अब दूसरी बात यह कि शरीयत मुतहरा ने मर्द को क्यों इख्तियार दिया, कि अल्लाह फरमाता बियदिही उकदतुन निकाह, कि मर्द के हाथ में तलाक की गिरह है, तो ये मर्द को क्यों दिया और को क्यों नहीं दिया? तो देखिए, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इल्म वाला और थोड़ी सी अकल वाला इनकार नहीं करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की जो नफसियात बनाई है और औरत की जो नफसियात बनाई है उसमें औरत की नफसियात में जज्बातियत ज्यादा है, क्योंकि फितरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मोहब्बत का जज्बा रखा है, क्योंकि उसको बच्चे की परवरिश करनी है। और ये देखा होगा आपने माँ को कि वो अपने औलाद के लिए हर चीज कुर्बान कर देती है, जबकि इसके मुकाबले में मर्द ऐसा नहीं करता। मर्दों में वो बात नहीं पाई जाती जो माँ में पाई जाती है, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसके अंदर जज्बात की ज्यादती रखी है, और जब कहीं जज्बात की ज्यादती पाई जाती है तो अक्ल की कमी आ जाती है, अक्ल की कमी आ जाती है, उसमें जो है वो एक तरफा हो जाता है मामला, जानिबदारी आ जाती है। तो उसकी वजह से शरीयत मुतहरा ने तलाक जैसे अहम इख्तियार को वो मर्दों के लिए रखा है, औरत के लिए नहीं रखा, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि ऐसे मामला होते हैं कि अगर ये तलाक औरतों के हाथ में दे दिया जाए तो जितनी तलाकें अब हो रही है उससे 1000 गुना बढ़ जाएंगी। हाँ, रोजाना सुबह हुआ करेगी, जी जी, सुबह सुबह उठे नाश्ते पे तलाक हो गई, सिर्फ डबल रोटी नहीं मिली थी तलाक हो गई। अच्छा एक बात ये बताइए कि ये जो औरत को तलाक का हक है ये सिर्फ निकाह के वक्त दिया जाएगा या बाद में भी शौहर दे सकता है? देखें, ये निकाह के वक्त भी तय हो सकता है कि निकाह ही शर्त पे किया जाए कि आपके उसमें ये बोल बोले जाए निकाह कराते वक्त कि आपके निकाह में ये खातून इस शर्त पे दी कि आपने उसको तलाक का हक तफवीज किया, उसके जवाब में मर्द के हाँ मुझे कबूल है, तो ऐसी सूरत में वो तलाक का हक उस खातून को तफवीज हो जाएगा, लेकिन मर्द का भी बरकरार रहेगा। हाँ, बाद में भी ऐसा हो सकता है, निकाह हो गया, औरत ने कहा कि मुझे भी तलाक का हक दो मुझे, तो फिर ऐसी सूरत में अगर मर्द कह देता है कि ठीक है मैंने आपको इख्तियार दिया, जब चाहें आप अपने आपको तलाक दे लें, तो फिर उसको तब भी मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर।